हेलो और वेलकम टू एनकर डिजिटल पॉइंट। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, मैं हूं रहीम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनकर डिजिटल पॉइंट। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई हमें ये बताओ मोबीक्विक जिप ईएमआई है क्या। दरअसल मोबीक्विक पर आपको मिलते हैं दो तरह के लोन, एक है जिप लोन जो आप ले सकते हैं 15 दिन के लिए 0% इंटरेस्ट पर, यानी जिप पेलेटर नाम से आपको यहां पर एक लोन मिल जाएगा जिसके अंदर आपको पूरे 30,000 रुपये तक की लिमिट मिल सकती है। इसके अलावा यहां पर एक जिप ईएमआई लोन भी है जो मिलता है पूरे 60,000 रुपये तक। ये जिप ईएमआई है क्या, मैं आपको यहाँ पर आज बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट्स कर रहे थे बोल रहे थे कि भाई जिप ईएमआई को कैसे एक्टिवेट करते हैं, कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं जिप ईएमआई को, और इसके बारे में हमें बताइए कंप्लीट स्टेप कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। गाइज आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पर मैं जिप ईएमआई को लाइव प्रूफ के साथ स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाऊंगा। मुझे यहाँ पर कितने रुपये की लिमिट मिली है मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड देकर आप यहाँ पर ले सकते हैं जिप ईएमआई लोन पूरे 60,000 रुपये तक का। मोबीक्विक आपको यहाँ पर ये लोन दे रहा है। इसके अलावा गाइज आप मोबीक्विक से 5,00,000 रुपए तक का पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, लेकिन वो मिलता है केवल कुछ कस्टमर को जो मोबीक्विक के अच्छे कस्टमर होते हैं। जानना चाहते हैं कैसे अप्लाई करते हैं जिप ईएमआई लोन को, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद गाइस आपको उस लिंक पर क्लिक करना है जो मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप प्ले स्टोर पर। अगर आप एक नए कस्टमर हैं तो आपने यहाँ पर मोबीक्विक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद आपने लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप पहले से कस्टमर हैं तो एक बार आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ पर अभी अभी अपडेट किया है तो अपडेट जरूर कर लें अपनी एप्लीकेशन को। अगर मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊँ तो गाइज यहाँ पर जो जिप पेलेटर लोन है वो तो है, आपको देखा दे सकते हैं यहाँ पर जिप स्पेंड नाउ पेलेटर 30,000 रुपये तक की लिमिट आपको मिलती है जिसको आप 0% इंटरेस्ट पर यूज़ कर सकते हैं। ये तो होता है जिप पेलेटर लोन। इसके अलावा गाइज आपको यहाँ पर जिप ईएमआई लोन मिलता है जो मिलता है 60,000 रुपये का जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा कहाँ पर यूज़ कर पाएंगे, कैसे आप इसको विड्रॉ कर पाएंगे इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। वीडियो की बिल्कुल मत करना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको आज बताने वाला हूँ, कंप्लीट स्टेप बताऊंगा कैसे आप अपनी जिप ईएमआई को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है गाइस, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस सबसे पहले आपको यहां पर जो है एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखाई देगा कुछ ऐसा जैसा भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तब, ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं करेंगे तब आपको यहां पर नहीं दिखाई देगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंटरफेस आपको ऐसा दिखाई देगा जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जब आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, देखिए केवाईसी आपको यहां पर जरूर करनी होगी, केवाईसी किए बिना आपको लोन नहीं मिलने वाला। तो मोबीक्विक की केवाईसी आपको जरूर करनी है, चाहे आप पुराने कस्टमर हो चाहे आप नए कस्टमर हो, आप केवाईसी कर सकते हैं अपने आधार कार्ड पैन कार्ड से, ठीक है। अब बताता हूं आपको यहां पर कितनी तरह के लोन आपको मिलते हैं। देखिए यहां पर दो तरह के लोन जो है ज्यादा यहां पर यूज होते हैं, वो है जिप लोन। देख सकते हैं यहां पर जिप का यहां पर आपको एक नीचे टैब दिखाई दे रहा है, यहां पर मोबीक्विक ने एक जिप का जो टैब है ये सबसे ऊपर ही इन्होंने रख दिया है क्योंकि इनका काफी पॉपुलर लोन है जिप नाम से। इसके अलावा अगर आपको यहां पर नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा सा स्क्रोल डाउन कीजिएगा। स्क्रोल डाउन करने के बाद गाइज अभी आप देख सकते हैं फाइनेंस सर्विस में यहां पर आप लोन ले सकते हैं। पे लेटर में जाएंगे तो आपको जिप लोन मिलेगा, यहाँ पर आपको एक ब्लू कार्ड भी मिलता है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सर्विस में कार्ड मिल जाता है, पे लेटर लोन मिल जाता है, प्लस 5,00,000 रुपए तक का लोन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इन में से आप जो भी लोन लेना चाहते हैं, सबसे पहले जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे पॉपअप आएगा आपके पास कि 30,000 रुपए की जिप लोन को आप यहाँ पर एक्टिवेट कर लीजिए, ठीक है। मेरे पास पहले से यहाँ पर जिप लोन है जिसकी लिमिट मुझे मिली हुई है 7500 रुपए की। यहाँ पर अभी यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू है जो अभी जिसकी वजह से यहाँ पर अभी मेरा ब्लॉक है, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करके दिखाऊँ यहाँ पर गाइज तो देखिए यहाँ पर आपको एक और चीज दिखाई दे रही है जिसका नाम है जिप ईएमआई। इसके बारे में आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। मेरे पास जो कमेंट्स कर रहे थे बोल रहे थे कि भाई जिप लोन जब हमने अप्लाई किया पेलेटर के अंदर हमें लिमिट मिल गई, उसके नीचे ठीक यहाँ पर एक जिप ईएमआई नाम से भी यहाँ पर एक 60,000 रुपए का लोन है, ठीक है, ये क्या है। तो गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो 60,000 रुपए का लोन है इस लोन को लेकर आप शॉपिंग कर सकते हैं। जी हाँ गाइज ये शॉपिंग करने के लिए लोन दे रहा है आपको मोबीक्विक। इस लोन को आज मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूँ आपको भी गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है, कंप्लीट आपको यहां पर दिखाई देगी। देखिए
देख सकते हैं सोप अप टू 60,000 यानी 60,000 रुपये की लिमिट हम आपको देते हैं जिसको यूज़ कर सकते हैं आप सोपिंग करने के लिए। ठीक है, चार इजी स्टेप में आप यहाँ पर अपनी क्रेडिट लिमिट को एक्टिवेट कर सकते हैं। एनुअल फीस आपकी यहाँ पर नहीं लगती है, एक बार क्रेडिट लाइन आपको यहाँ पर मिल जाती है, कभी भी आप उसको विदड्रॉ करके शॉपिंग कर सकते हैं जब भी आपका दिल करे। वन टाइम अप्रूवल, लाइफ टाइम यूजेज, यानी एक बार आपको अप्रूव मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए आप उसको यूज़ कर पाएंगे। कहाँ पर आप यूज़ कर पाते हैं देख सकते हैं यहाँ पर, जिन ऑनलाइन स्टोर ने टाइप किया हुआ है मोबीक्विक के साथ में, वो ऑनलाइन स्टोर आपको दिखा देंगे, जैसे अमेजोन हो गया, ठीक है, रिलायंस डिजिटल हो गया, एजियो हो गया, ठीक है, मी हो गया, मिंट्रा हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टोर आपको मिल जाएंगे जहां पर आप जो है शॉपिंग कर पाएंगे अपने इस ईएमआई को यूज करके। ठीक है, जो जिप ईएमआई आप यहां पर एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, यहां पर देखिए गाइस, जो भी आप यूज करेंगे, जितने भी अमाउंट आप यूज करेंगे उसको 6 से 12 महीने की आसान इंस्टॉलमेंट में वापस कर सकते हैं, यानी इजी ईएमआई में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी आप यहां पर शॉपिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना गाइस, सिंपल से काम करना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे गाइस, जो पेज है आपके सामने यहां पर कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैंने पहले से यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है। देख गाइस, जब आप यहां पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आधार कार्ड से केवाईसी करनी होगी, जो मैंने पहले यहाँ पर कर रखी है, ग्रीन कलर का सिंबल आपको दिखा दे रहा है। पैन कार्ड मेरा वेरीफाई है, यहाँ पर देख सकते हैं पैन कार्ड मेरा वेरीफाई है, लेकिन पैन कार्ड की फ्रंट फोटो और एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। ईमेल आईडी, मैटर स्टेटस, आपके फादर का नाम और आपकी मदर का नाम यहाँ पर डालना, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना और कंटिन्यू आपको यहाँ पर करना होगा। आधार कार्ड से केवाईसी आप कर सकते हैं डायरेक्टली आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो मैंने यहां पर पूरी डिटेल से तरीके से फिल कर दिया और मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद गाइस, अब आपको यहां पर आपका कंप्लीट एड्रेस डालना होगा, जो भी आपका एड्रेस सही हो वो आपको यहां पर डालना होगा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर हो। जैसे आप यहां पर अपना एड्रेस सही तरीके से फिल करेंगे, उसके बाद गाइस आपको फाइनेंशियल डिटेल अपनी यहां पर देनी होगी। आपको बताना होगा आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी इनकम कितनी है, कंपनी का कंप्लीट एड्रेस क्या है, कितने लोन की आपको जरूरत है, ये पूरी डिटेल आपको सही तरीके से फिल करनी है और आपने इसको कंटिन्यू करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे गाइस, कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज के अंदर आपको यहां पर लोन के लिए ऑफर मिलेगा। इतने मुझे लोन के लिए ऑफर मिले, इतने आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। मुझे यहां पर कितने रुपए का लोन ऑफर मिलता है आपको अभी पता चल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अभी देख सकते हैं क्रिफ क्रेडिट रिपोर्ट ही देखते हैं, पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं, आपका क्रिफ क्रेडिट रिपोर्ट देखते हैं। अगर आपका क्रिफ क्रेडिट रिपोर्ट अच्छा होगा तो आपको यहां पर लोन के लिए इंस्टेंटली ऑफर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर अभी ये प्रोसेसिंग में है, मुझे यहां पर ऑफर मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना गाइस, ठीक है, क्योंकि आपका भाई आपके लिए यहां पर सब कुछ लेकर आता है। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ आज दिखा रहा हूं कैसे आप जिप ईएमआई कन्वर्ट ईएमआई को कैसे आप जिप ईएमआई को एक्टिवेट कर सकते हैं। और गाइज अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मुझे यहां पर मिली है 30,000 रुपए की लिमिट। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं यहां पर 30,000 रुपए की लिमिट को यूज कर पाऊंगा और कम से कम 5,000 रुपए विदड्रॉ कर सकता हूं, यानी मिनिमम 5,000 रुपए, 5,000 से कम मैं विदड्रॉ नहीं कर सकता हूं, 5,000 ज्यादा विदड्रॉ कर पाऊंगा यहां पर। 1,000 रुपए हर महीने इंटरेस्ट लगेगा मेरा यहां पर, अगर मैं 30,000 रुपए यूज करूंगा, हर महीने की 5 तारीख को मेरी ईएमआई होगी यहां पर, ठीक है। और ये जो लिंक है एक्सपायर हो जाएगा 18 अप्रैल 2023 को से लेकर, और फुलरटोन इंडिया कंपनी ने मुझे यहां पर जो है लोन के लिए ऑफर किया। गाइस मैं आपको बता दूं, मोबीक्विक खुद आपको लोन नहीं देता है, जो इनकी पार्टनर फाइनेंस कंपनी होती है वो आपको यहां पर लोन देती है। तो आपको क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए गाइस आपको यहां पर बैंक अकाउंट की डिटेल अपनी देनी होगी, आईएफएससी कोड आपको यहां पर बताना होगा और कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद आपको यहां पर ई नेक करना होगा, यानी ई मैंडेट करना होगा, साइन नेक विद नेट बैंकिंग पे आपने क्लिक करना होगा। अपने पास रख लीजिए अपने बैंक का डेबिट कार्ड, क्योंकि डेबिट कार्ड के जरिए ही आपको यहां पर नेट बैंकिंग ई नेक करना होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर अभी नेट बैंकिंग ये बोलते हैं नेट बैंकिंग के जरिए कर लीजिए चाहे डेबिट कार्ड के जरिए कर लीजिए, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरी लिमिट 30,000 रुपए है, हर महीने मेरे पैसे कटेंगे, ठीक है। 18/4/2022 स्टार्ट हो जाएगी, ये पूरी डिटेल आपको यहां पर दिखाई देगी। आपको क्या करना है, अपना नीचे डेबिट कार्ड देख सकते हैं, डेबिट कार्ड डिटेल आपको देनी है, कार्ड के नंबर डालनी है, कार्ड का पिन डालना है, एक्सपायर डेट डालनी है, नाम डालना है, ठीक है। ये साइड आपको यहाँ पर सही तरीके से फिल करनी है और सबमिट करनी है। आपके पास एक ओटीपी आएगी, ओटीपी आपको यहाँ पर डालनी है और आपका जो ई मैंडेट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ओटीपी डाल दी, चलिए मैं टर्म्स एंड कंडीशन में एक्सेप्ट करता हूँ और अप्रूव करता हूँ, ठीक है। मैंने अप्रूव कर दिया कि भाई हाँ, आप मेरे बैंक अकाउंट से हर महीने इंस्टॉलमेंट काट सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है, एड्रेस सबमिट हो चुका है, प्रोफेशनल डिटेल हो चुकी है, ऑफर मिल चुका है, बैंक वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर मिलने वाला एप्लीकेशन जो है अंडर रिव्यू जा चुकी है, ठीक है। तकरीबन 1-2 घंटे बाद जो है आपकी जो ये लिमिट है ये एक्टिवेट हो जाएगी, और जब आपकी लिमिट एक्टिवेट हो जाएगी वो कैसी दिखाई देगी, चलिए आपको वो भी दिखाता हूँ।
तो गाइस जब आप 1 से 2 घंटे के बाद अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, हो सकता है एक दिन भी यहां पर लग जाए आपकी लिमिट अप्रूव होने में। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सबसे ऊपर यहां पर दरअसल क्या है गाइस, मैंने जो ये लिमिट ईएमआई जिप ईएमआई एक्टिवेट किया है अपनी वाइफ का अकाउंट में किया है, ठीक है, और मैंने इसलिए दूसरा मोबाइल फोन यहां पर उठाया और मेरी वाइफ को यहां पर देख सकते हैं जिप लोन ही मिला हुआ है, 4000 रुपए की लिमिट यहां पर मिली हुई है, ठीक है। और अगर मैं आपको जिप पे क्लिक करके दिखाऊं, देखिए जिप पे क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पर यहां पर योर जिप ईएमआई डिटेल, नीचे देख सकते हैं यहां पर जिप ईएमआई यहां पर लिखा है और व्यू डिटेल पे आपने क्लिक करना होगा जब आप यहां पर अप्लाई कर देंगे जिप ईएमआई को। और अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सबसे ऊपर यहां पर मेरी 30,000 रुपए की लिमिट है, अवेलेबल लिमिट ही मेरी पूरी 30,000 रुपए की है, मैंने यहां पर यूज नहीं किया है। और यहां पर बोलिए कि भाई आप यहां पर 30,000 रुपए की लिमिट को यूज किया, टाइम से रिपेमेंट कीजिए, हम आपको यहां पर 1,00,000 रुपए का लोन भी देंगे। यानी जैसे कि मैं आपको बोला था कि आपको 5,00,000 रुपए तक का लोन भी यहां पर मिल सकता है, ठीक है। नीचे लोन डिटेल दिखाई दे रही है, मेरी लोन का अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है, 3% हर महीने इंटरेस्ट लगेगा, जो भी हम यहां पर अमाउंट यूज करेंगे कम से कम 5,000 रुपए यहां पर मैं निकाल सकता हूं, 5,000 से कम नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। विड्रो पर क्लिक करना है, जैसे विड्रो पर क्लिक करेंगे हम जितने पैसे निकालना चाहते हैं वो हम निकाल सकते हैं। बात ये आती है कि कैसे विड्रो कर सकते हैं अपनी इस अमाउंट को हम, और कहां पर ये अमाउंट हमें मिलने वाली है। तो गाइस जब आप यहां पर विड्रो करेंगे इस अमाउंट को तो आपका जो मोबीक्विक वॉलेट है उसके अंदर ये चले जाएगी। आपने जहां पर भी शॉपिंग करनी है, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो जहां पर भी जिन स्टोर के साथ में टाई अप है मोबीक्विक का, स्टोर पर जाकर जब आप शॉपिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली मोबीक्विक ऑप्शन आपको वहां पर मिलेगा। मोबीक्विक यूज करना है, मोबीक्विक से आपके पैसे कट जाएंगे और आपकी ईएमआई यहां पर एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको यहां पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊं यहां से विड्रो करके इस अमाउंट को और शॉपिंग करके आपको दिखाऊं, तो कमेंट्स करके बोलो, आपका भाई आपके लिए ये भी करके दिखाएगा। तो गाइस आप इस तरीके से मोबीक्विक जिप ईएमआई को एक्टिवेट कर सकते हैं, केवल आपको विड्रो करना है, अपने पैसों को ले लेना है अपने मोबीक्विक वॉलेट के अंदर और शॉपिंग करनी है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया लाइव प्रूफ के साथ में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना गाइस, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए यहां पर जो वीडियो लाता है ना आपके लिए हेल्पफुल होती है और लाइव प्रूफ के साथ लेकर आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए बस इतना ही।